वर्ष 2022 के जाते जाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा विभाग के लिए तोहफा देके जा रहे हैं। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में उनके द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। वहीं हमारे साथ अभी एक ऐसे शिक्षक हैं और एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जा चुका है। काफ़ी पहले के शिक्षक और शिक्षिका हैं और आज इन्हें नीतीश कुमार के हाथों सम्मानित भी किया गया है। क्या नाम है मैडम? निशी कुमारी। कहाँ से आप? महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर पटना। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैं सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में प्लस टू ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। पहले राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, उसके बाद आज नीतीश कुमार के हाथों सम्मान मिलता है, कैसा महसूस कर पा रहे हैं? दोनों सम्मान का अपना अलग अलग महत्व है और वो सम्मान पाने में कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ही हाथ था। इन्होंने हमें वो चयन करके वहाँ भेजा, तो घर पे सम्मानित होना एक अलग बात होता है, इसका मतलब शब्द में नहीं बयां किया जा सकता। ऐसा क्या कार्य किया था आपने शिक्षा के लिए कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया? जी, मैं एक्चुअली कंप्यूटर शिक्षक हूँ और 2015 में मैं ज्वाइन किया था, तो शुरू से मेरा था कि विद्यालय में इनोवेशन पे काम हो, क्योंकि प्रयोग पे थोड़ा कम काम हो रहा है आजकल। तो मेरे मार्गदर्शन में बच्चों ने बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स बनाए, जिससे उसने 3 बार नेशनल अवार्ड मिला स्कूल के बच्चों को और बहुत सारे स्टेट अवार्ड मिले। और मेरा विद्यालय इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है कि वहाँ पे इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनते हैं, ये सब वर्क के कारण अचीवमेंट रहा। और मेरे विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब है, मेरे प्रिंसिपल के सहयोग से वो लैब आया, जिसका फ़ायदा मुझे भी मिला और बच्चों को भी मिला। नई नई टेक्नोलॉजी को सीखा मैंने भी, बच्चों को सिखाया, जिससे रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटर, जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जो चीज़ होते हैं वो मेरे स्कूल में है। इस कारण बच्चे नए नए टेक्नोलॉजी से अवेयर हुए हैं। और यही बात हुआ कि गांव की लड़कियां, मेरा गर्ल्स स्कूल है, गांव की लड़कियां इतने हाई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रही है, इसका फायदा बच्चों को तो हुआ ही और मुझे मिला, जिससे मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ। एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाई करना और उसके बाद रोबोटिक के ऊपर काम आप कर रहे हैं, 2015 से आप शिक्षक हैं, तो बिहार के अन्य स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई हो, इस तरह की व्यवस्था हो, इसके लिए आप क्या कुछ पहल करना चाहते हैं? नीतीश कुमार से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आप आज आपको नीतीश कुमार का तो सम्मान मिला है। हाँ, अगर सर, अभी तक तो सर से पहली बार भेंट हुई, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जिससे मेरी बात उनके तक जाए, ऐसे मेरे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या DPO हैं सर, वो लोग जानते हैं, वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये बात यहाँ तक जाए तो कुछ मेरे पास प्लान है जो बहुत कम खर्च में भी बच्चे रोबोटिक पे काम कर सकते हैं। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, पहले रोबोटिक क्या है उनके माइंड में सेट तो हो, फिर उसको बनाने की बात हो। तो जब पहले अभी TV पर ही देख रहे हैं लोग, सामने जब देखेंगे बनाते हुए तो माइंड उनका एक अलग क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा। क्या आप बताना चाहेंगे थोड़ा भी कि मतलब वो प्लान आपका क्या है कि किस तरह अन्य स्कूलों में भी इस तरह की पढ़ाई हो पाए? जी, एक्चुअली सर, जो मेरा अनुभव रहा कि अगर 15 से 20 हज़ार रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया जाए हर स्कूल में, जो स्कूल लेवल पे ही पॉसिबल है, और तो वो आराम से पॉसिबल मतलब हो सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकते हैं जहाँ बच्चे में रोबोटिक सेंस डेवलप हो जाएगा। और हमारे बिहार में करीब 1000 कंप्यूटर टीचर ऑलरेडी बहाल हैं, तो उन लोग के स्कूल में फोकस कर दिया इनिशियल लेवल पे, तो चूंकि रोबोटिक कोडिंग बेस्ड है तो वो पहले ट्रेंड हो जाएंगे सारे कंप्यूटर टीचर, और फिर अपने स्कूल में पहले करेंगे, फिर वो धीरे धीरे अपने जो जहाँ कंप्यूटर टीचर नहीं है उनके आसपास के स्कूल हैं वो एक ऐसा कॉमन लैब बने जिसमें सारे उस मतलब ब्लॉक के स्कूल आके विजिट कर सके। तो इस तरह से कम खर्च में मतलब सेम रिसोर्स से हम बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, तो ये प्लान है, इसको और विस्तृत रूप से रखा जा सकता है। जी, देखिए हमारे साथ हैं भी निशी कुमारी, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला मैडम आज नीतीश कुमार के हाथों, तो फिर दोबारा आपको सम्मान प्राप्त हुआ है, कैसा महसूस करें? बहुत ही बढ़िया और अच्छा लगा, इतने बड़े मंच पे दिया गया, ये और भी अपने मेरी गरिमा को बढ़ाता है, राज्य की गरिमा को भी बढ़ाता है जब भी इतने बड़े मंच पे सम्मान दिया जाता है। तो किस कार्य के तहत आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था? देखिए, एक विज्ञान शिक्षिका के रूप में मैं खुशरूपुर महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय में ज्वाइन की थी, तो विज्ञान के लिए तो मैंने लगातार कार्य किया ही, पिछले कई सालों से मेरा स्कूल
पटना डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं, राज्य स्तर पर ही नहीं, देश स्तर पर पहचान रहा है, नेशनल तक बच्चे जा रहे हैं। तो विज्ञान के लिए तो मैंने बेहतर किया ही। बच्चे कैसे ज़्यादा स्कूल आएँ, लड़कियाँ जो एकदम नहीं आती थी उन पर भी मैंने कार्य किया, 1-to-1 अभिभावकों से कॉन्टैक्ट किया कि अपनी बच्चियों को भेजें, अगर रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो ग्रुप में भेजें। मतलब ऐसे कई छोटे बड़े लगातार अभी भी कार्य कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और हर क्षेत्र में आगे निकले। उसका परिणाम है कि सिर्फ विज्ञान में ही बच्चे अच्छे नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल विद्यालय का मैंने ओवरऑल रिजल्ट इम्प्रूव करने में योगदान दिया है। इस साल देखिए कि मैट्रिक के रिजल्ट में 4th पोजीशन मेरे विद्यालय की बच्ची लाई है, उसे भी मेधा दिवस के दिन सम्मानित किया। अच्छा लगा कि मेरी पढ़ाई बच्ची आज सम्मानित मुझसे पहले हुई बिहार में। तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उस वक्त क्या माहौल था वहाँ पर? काफ़ी वहाँ तो और अच्छा लगा, हर राज्य के लोग आए हुए थे तो उनसे बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली, ग्रुप बने हुए हैं तो उनके इनोवेटिव आइडियाज़ अब और ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ पूरा एक पॉजिटिव वातावरण था। तो और कई लोग ऐसे उस दिन जो प्रसारण करने वाले थे दूरदर्शन पर वो बिहार के थे, वो स्पेशली मिलने आए केसी सिन्हा, क्योंकि केसी सिन्हा हिंदी वाले हैं इसीलिए उनका नाम याद है कि कौन बिहार से दो लोग हैं जो जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। तो ये सब बहुत अच्छा लगा वहाँ सबसे जी। और देखिए इनोवेशन के लिए इन्हें पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार। वहीं हमारे साथ सौरभ सुमन थे जिन्होंने रोबोटिक के ऊपर काम किया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छा काम किया है अपने विद्यालय में, इसीलिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और आज नीतीश कुमार के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ है। साथियों ने देखिए 30,000 का जो चेक है वो मिला है, मैं चाहूँगा कि आप चेक दिखा दें मैडम। देखिए सौरभ सर को भी मिला है चेक और इधर मैडम को भी चेक मिला है, 30,000 का चेक, साथ ही नीतीश कुमार के हाथों सम्मान आज जो है राजधानी पटना के ज्ञान भवन इन्हें प्राप्त हुआ है। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें ज़रूरत है बिहार में अच्छे पहल की और इन दोनों शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जहां मैडम ने इनोवेशन पे काम किया है साइंस के क्षेत्र में, वहीं सौरभ सर ने रोबोटिक के ऊपर काम किया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और आज नतीजा यह निकला कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया और आज राजधानी पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित किया है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।